तो हमने ऐसा करते हुए कैमरा उसको दे दिया हमारा, और बस फिर उसके आगे की रिपोर्ट तो आगे की रिपोर्ट है, बट ये जो आपकी क्वेरी थी उसका जवाब ये है। ओके अच्छा, और जो मिमिक्री होती है, मिमिक्री वो बेसिकली अपना ये वाला जो कौन सा चक्र होता है थ्रोट वाले, को क्या बोलते हैं हिंदी में, नाम याद नहीं आ रहा, जो थ्रोट वाला चक्र होता है जो बेसिकली उसका है, या फिर कोई और चक्र भी इसमें इन्वॉल्व होता है? देखिए उसमें क्या है कि जब कोई मिमिक्री कर रहा है तो वो अपने फिफ्थ चक्र की अभिव्यक्ति से कर रहा है, फिफ्थ चक्र की अभिव्यक्ति है नॉर्मली तो उसमें मिमिक्री में एक आर्ट है, एक कला है, एक ऐसी आइडेंटिटी है उसमें मिमिक्री आर्टिस्ट ने जो पहचानी कि वो जो आर्टिस्ट है सामने वाला उसके अंदर उसने अपनी आइडेंटिटी पहचान ली और उसके साथ वो अलाइन होके अपनी आइडेंटिटी बाहर निकाल रहा है, तो मिमिक्री की तरह वो हमें देखने को मिल रही है। और लेकिन इसमें इसमें क्या है कि कुछ ऐसी मिमिक्री अगर किसी ने कर दी जो ऐसी क्रिएटिविटी है जिसको सामान्य जो इंसान है इजीली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, तो हम ऐसे कह सकते हैं थ्योरेटिकली कि वो उसने थर्ड आई से देखी है, उसको पहचाना है और उस कला को अर्जित किया है, तो एक प्रकार की सिद्धि है। ठीक ओके, इसको अगर है, स्पिरिचुअलिटी से तो जोड़ना चाहें या फिर सुपीरिटी की किसी टीचिंग से जोड़ना चाहें तो उसका ये क्या सब रहेगा? सुपीरियरिटी की टीचिंग ही है साहब। कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है इसके पीछे? स्पिरिचुअल क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी तो है ही है जो भी अभिव्यक्ति है। अभी आप देखिए बॉलीवुड के अंदर आप कोई भी फिल्म उठा के देखेंगे तो जो भी एक्टर है वो ठीक ठाक ही एक्टिंग कर रहा है, कोई बुरी एक्टिंग थोड़ी ना करना है। कोई भी रिसेंट फिल्म आप बताइए या वेब सीरीज आपने बताइए, उसमें जैसे पंकज त्रिपाठी है, पंकज त्रिपाठी के साथ में कोई सह कलाकार है तो क्या वो गलत एक्टिंग कर रहा है? वो भी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। एक डीएसपी, आई एम डीएसपी सर, एक वेब सीरीज आई थी उसको एक शराब पी के एक आदमी डीएसपी को टुल्ले को भगा देता है, आगे आते दरोगा तो बोलता है डीएसपी सर, तो उसको भी आप देख लीजिए। तो सब लोग अच्छी एक्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान ने कुछ ऐसी एक्टिंग करी जो पूरे दुनिया के ऊपर छा गई, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये थर्ड आई की क्रिएटिविटी है, थर्ड आई की सिद्धि है। तो वैसे ही बैटिंग जो भी करते हैं अच्छी बैटिंग करते हैं तभी तो वो लोग अंतरराष्ट्रीय बैट्समैन बने, लेकिन अजहरुद्दीन ने जो एकदम बल्ला घुमाया और जो विराट कोहली ने जो बल्ला मारा और जो सचिन तेंदुलकर जो बल्ला घुमाया करता था वो ऐसी क्रिएटिविटी है कि उसको मानने को तैयार नहीं है कि यार पांचवें चक्र से कोई आदमी कोई अपनी अपनी अभिव्यक्ति ऐसी भी किसी की हो सकती है क्या? ये तो परे की चीज है, इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। ये तो कहां से लेकर आया, ये तो अपनी तीसरी आंख से उसने देखा और वहां पर ही उसने उस वाइब्रेशन को उस डायमेंशन को पहचाना और लेकर आया। लता मंगेशकर की गायकी है ना, अटल बिहारी वाजपेयी की वाक कला है जो पवन जूरी बोलते हैं कि बहुत बढ़िया ओरेटर है, हमको तो लगता नहीं कि क्या बढ़िया ओरेटर है, हमको तो लगता है कि रजनीश अच्छा ओरेटर था और अजय दीक्षित भी अच्छा ओरेटर था और हम भी ठीक ठाक ओरेटर है, अटल बिहारी का काहे की ओरेटरी है। पवन जूरी खुद भी अच्छे ओरेटर है और राहुल मेहता भी अच्छे ओरेटर है, अटल बिहारी तो अड़ता ही नहीं सबने कहीं। तो ये है, और स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी का आप मुद्दा उठा रहे तो हम आपको रिमाइंड करा देते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो तो इंडिफरेंस है इन वन वर्ड, और शशांक आनंद ने कई बार सिखाया है कि फर्क नहीं पड़ना, ये स्पिरिचुअलिटी है, बाकी सब तो एक ह्यूमन पोटेंशियल का लिटरेचर है। That is not spirituality. You are already enlightened, already claimed by Rajnish and Sandeep Maheshwari and UG and JK Krishnamurti. गॉट इट। हाँ, और कौन मौजूद है यहाँ? श्रेयांश